हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में आप लोगों को जानकारी देने वाला हूँ कि आप लोग किस प्रकार से बंधन बैंक का कस्टमर रिक्वेस्ट फॉर्म के माध्यम से मोबाइल नंबर चेंज, ईमेल आईडी चेंज अपडेट कर सकते हो। दोस्तों, बहुत सारे ऐसे व्यूवर हैं जिन्होंने कमेंट करके इसके बारे में पूछा था कि आखिरकार हम फॉर्म के माध्यम से किस प्रकार से फॉर्म भर के अपना मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस चेंज कर सकते हैं। तो उसी के बारे में मैं आप लोगों को डिटेल से जानकारी देने वाला हूँ। सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं, जब भी आप लोग बंधन बैंक का कस्टमर रिक्वेस्ट फॉर्म भरोगे उसे काले या फिर नीले रंग के पेन से आप लोगों को भरना है, कोई दूसरे रंग का पेन का इस्तेमाल नहीं करना है। पॉइंट नंबर दो, दोस्तों इस फॉर्म को भरने के साथ ही साथ मैं आप लोगों को अन्य जानकारी देने वाला जो आप लोग को जानना बहुत जरूरी है, तो आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि जो आप लोग का ये फॉर्म है वो रिजेक्ट ना हो और आप लोगों को डिटेल से जानकारी मिल सके। तो सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पर आ जाना है। दोस्तों आप लोग यहाँ पर पढ़ सकते हो बंधन बैंक, यहाँ पर आप लोगों को अपना ब्रांच का शाखा का नाम लिखना है जहां पर आप लोगों ने अपना अकाउंट ओपन किया है। उसके बाद में यहाँ पर ब्रांच कोड लिखने के लिए कहा गया है। दोस्तों अगर आप लोगों को अपना ब्रांच कोड नहीं पता है तो आप लोग बैंक से पूछ सकते हो। और अंतिम यहाँ पर डेट लिख देना है, तारीख लिख देना है, जिस दिन आप लोग इस फॉर्म को बैंक में जमा करोगे उस दिन का। डेट तारीख लिख लेने के बाद आप लोग इसी के नीचे एक बड़ा सा बॉक्स देख सकती हो, यहाँ पर आप लोगों को अपना पूरा नाम लिखना होगा। दोस्तों ध्यान रहे, जो भी आप लोग नाम लिखोगे वो सही सही होना चाहिए। उसके बाद आप लोग इसी के नीचे पढ़ सकते हो CIF ID, यहाँ पर आप लोगों को लिखने के लिए कहा गया है। दोस्तों आप लोगों के पासबुक में CIF ID दिया रहता है, अगर नहीं दिया है तो आप लोग बैंक में जब आप लोग फॉर्म जमा करने के लिए जाओगे तो बैंक में पूछ कर CIF ID लिख सकते हो। और अंतिम में दोस्तों यहाँ पर अकाउंट नंबर लिखने के लिए कहा गया, आप लोगों को अपना अकाउंट नंबर लिख देना है। अब दोस्तों इम्पोर्टेंट पॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर बहुत सारे पॉइंट दिया गया है। आप लोग एक ही फॉर्म के माध्यम से कई सारे सर्विस के लिए अप्लाई कर सकते हो, जैसे मोबाइल नंबर चेंज, ईमेल आईडी चेंज, आधार कार्ड अपडेट, एड्रेस चेंज, ATM कार्ड के लिए, चेकबुक के लिए और भी अन्य सर्विस के लिए। दोस्तों आप लोग एक ही फॉर्म के माध्यम से अप्लाई कर सकते हो, लेकिन मैं अभी आप लोगों को मोबाइल नंबर चेंज और ईमेल आईडी चेंज अपडेट के बारे में बताने वाला हूँ। अगर आप लोगों को मोबाइल नंबर चेंज करना है, अपडेट करना है, तो आप लोगों को पॉइंट नंबर दो पर आ जाना है। यहाँ पर आप लोग यहाँ पर देख सकते हो तीन ऑप्शन दिया गया है, A, B, C। दोस्तों आप लोगों को अगर मोबाइल नंबर चेंज करना है तो आप लोगों को पॉइंट नंबर सी पर आ जाना है, यहाँ पर यस का निशान लगा देना है और यहाँ पर आप लोगों को अपना नया मोबाइल नंबर लिखना होगा जो आप लोग अपने बैंक अकाउंट से लिंक करना चाहते हो, वही मोबाइल नंबर लिखें। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, अगर आप लोग अपना ईमेल आईडी अपडेट करना चाहते हो या फिर चेंज करना चाहते हो तो यहाँ पर आप लोगों को अपना नया वाला ईमेल आईडी लिख देना है जो सही सही होना चाहिए। इतना ही दोस्तों आप लोगों को इस फॉर्म में करना है। उसके बाद आप लोगों को नेक्स्ट पेज पर आ जाना है। अब दोस्तों यहाँ पर आप लोग पढ़ सकते हो डिक्लेरेशन के बारे में दिया गया है, आप लोगों को यहाँ पर डेट लिख देना है, तारीख लिख देना है, जिस दिन आप लोग इस फॉर्म को भरोगे उस दिन का। उसके बाद में यहाँ पर प्लेस स्थान का नाम पूछा गया है, जहां पर आप लोग रहते हो उस स्थान प्लेस का नाम लिख देना है। और अंतिम में एक बड़ा सा बॉक्स आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, आप लोगों को यहाँ पर साइन करना होगा, हस्ताक्षर करना होगा, जो आप लोग अभी तक बैंक में करते आ रहे हो वही साइन आप लोग यहाँ पर करें। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों, आप लोगों को इन बॉक्स को नहीं भरना है, ये बैंक के कर्मचारियों के द्वारा भरा जाएगा, यह आप लोगों को ध्यान रखना है। अगर आप लोग ये बॉक्स भर देते हो तो जो आप लोग का ये कस्टमर रिक्वेस्ट फॉर्म है वो रिजेक्ट हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं इस फॉर्म के साथ में आप लोगों को कौन कौन सा डॉक्यूमेंट अटैच करना है। तो दोस्तों मैं आप लोगों से यही कहूंगा, जब भी आप लोग बैंक में जाओगे इस फॉर्म को लेकर तो आप लोगों को पासबुक की फोटोकॉपी, आधार कार्ड की फोटोकॉपी और अगर आप लोगों के पास में पैन कार्ड है तो पैन कार्ड की फोटोकॉपी लेकर इस फॉर्म को बैंक में जमा कर देना है। और बहुत सारे ऐसे व्यूवर हैं जो कमेंट करके पूछते हैं कि आखिरकार हम बंधन बैंक का कस्टमर रिक्वेस्ट फॉर्म कहाँ से डाउनलोड करें। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, इस वीडियो के नीचे ऑफिशियल वेबसाइट का नाम दे दूंगा, आप लोग वहां पर जाके इस फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हो। और इस कस्टमर रिक्वेस्ट फॉर्म से संबंधित या फिर अन्य बैंकिंग से संबंधित कोई भी जानकारी अगर आप लोगों को चाहिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।